दिन के लिए, एक नई सुबह के लिए। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रति भोर उसकी करुणा हम पर नई होती जाती है। नए का मतलब क्या है? फ्रेश। उसकी करुणा हम पर प्रति भोर फ्रेश होती है। हम उस फ्रेशनेस को क्यों नहीं ले पाते? हमारे अंदर पुराने विचार, पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, वो बैठा हुआ है। कहां से आपको फ्रेशनेस मिलेगी? हालेलुया। अगर आप वचन को ध्यान से मन लगा रहे होंगे, चिंतन कर रहे होंगे, चिंतन का मतलब, चिंता अलग चीज है, चिंतन अलग चीज है, चिंतन का मतलब चिंतन मनन। ये वचन को आपको चिंतन और मनन करना है। इसी के द्वारा परमेश्वर की ज्योति आपके हृदय में चमकेगी। परमेश्वर किसी व्यक्ति को ना पकड़े, किसी स्थान को ना पकड़े। ये डिल्यूजन और इल्यूजन में जितने भी लोग हैं, ये या तो फिजिकल प्लेस को पकड़ते हैं, फिजिकल पर्सन को पकड़ते हैं, और उसको पकड़ कर कहते हैं ये परमेश्वर है, यहां परमेश्वर है। ये गलत है। अगर वो आपके अंदर नहीं है, कहीं नहीं है, धोखा मत खाना। और पूरी दुनिया इसी में धोखे में है कि इस जगह पे है, इस व्यक्ति में ना, धोखा मत खाओ। अभी हमने वो वाला विषय छुआ ही नहीं है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी वो सर्वज्ञ उपस्थित है, एंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये विषय फाइनल सब्जेक्ट है जो बाद में आएगा। पहले तो आप ये समझो कि परमेश्वर है क्या। आप परमेश्वर को किसी व्यक्ति के रूप में मत देखो, ना किसी स्थान पर देखो। परमेश्वर सर्वज्ञ है, लेकिन उसकी उपस्थिति आप में है कि नहीं है? अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं कहीं, क्योंकि वो आपके अंदर आएगा। आप जहां भी रहते हैं वहां आपके जीवन में आ जाएगा वो। आपको क्या चीज चाहिए? परमेश्वर को, परमेश्वर को अंडरस्टैंड करने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फिर भी लोगों को नहीं समझ में आता, कुछ लोगों की समझ में आने लगा है। हालेलुया। जब लोग यीशु मसीह को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, जब फिजिकली वो पृथ्वी पर था, वो किसी के हत्थे नहीं लगा, सबको झटका दे, मुझे मत पकड़ना। क्यों? क्योंकि लोग तो ये चाह रहे थे कि इसको, इसकी मूर्ति बना लो, इसकी वर्शिप करें। जब कोई व्यक्ति किसी भौतिक वस्तु को परमेश्वर के नाम से पकड़ रहा होता, परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। यार ये क्या कर रहा है? यीशु मसीह के, वो यूहन्ना जो यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा। आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब स्वर्गदूत आया उसको प्रकाशन क्लियर करने, बताने कि ये जो तू देख रहा है इसका क्या मीनिंग है, तो यूहन्ना उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने पीछे हट गया, कहने लगा ये मत कर, मुझे मत, मेरे चरणों में ना गिर। जिसके विषय में मैं तुझे बताने आया हूं उसी को पकड़, उसी के चरणों में गिरना। हालेलुया। ये प्रकाशन है जो आपको प्रकाशित करता है कि आपको क्या नहीं करना है। और आत्मिक जीवन में आपको प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। जितने लोग प्रयास कर रहे हैं वो रिलीजियस हो जाते हैं, स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल लोग प्रयास नहीं करते, क्योंकि डेड जो आत्मिक रूप से मृतक है, परमेश्वर उन्हें जीवित करता है ना। तो मृतक आदमी क्या अपने लिए कुछ कर सकता है? वो तो एक जगह पड़ा रहता है ना। उसके पड़े रहने का ये मतलब है, जब वो कुछ नहीं कर रहा है, कोई प्रयास नहीं कर रहा, कुछ नहीं, इसका मतलब कि वो डेड है। पर प्रभु यीशु मसीह जीवन किसको देता है? लेकिन अभी कोई डेड नहीं हुआ है। कुछ लोग डेड हुए, जिनको जो डेड हुए उन्हें जीवन मिल गया मसीह में, लेकिन जो अभी तक प्रयास कर रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, युक्ति लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, हाँ, तमाम तरीके की एक्टिंग कर रहे हैं, एक्ट्स कर रहे हैं, यानी क्रियाएं कर रहे हैं, और रिचुअल्स जिनको बोलते हैं, कर्म कांड बोलते हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, अभी वो डेड नहीं है। क्यों जीवन नहीं मिल रहा?
अभी तुम मृतक नहीं हो, जिस दिन मृतक हो जाओगे उस दिन जीवन मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि लोग शांत नहीं हो रहे हैं और रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, केवल प्रयास करने में लगे हुए हैं। कहां से शिक्षा मिल रही है? ये झूठी शिक्षा है। झूठी शिक्षा के स्रोत खुले हुए ऑनलाइन। आप किसी को भी अपना गुरु मान लीजिए और उसकी बातों में मन लगाने लगिए, वो आपको बोलेगा ये करो ये करो ये करो, आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जितना आप करेंगे परमेश्वर उतना कुछ नहीं करेगा, जा कर ले। हालेलुया। और ये वाली बात रेयरली कोई बोल पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा रेयरली लोगों के जीवन में है, गिनती के लोग होंगे पूरी दुनिया में, क्योंकि बाकी सब लोग कार्य क्रियाकर्म में लगे हुए हैं कि ये करो ये मत करो, डोंट डू दिस डू दैट, डू दिस डू लाइक दिस, ऐसे करो ये ऐसे करो, तुम ये नहीं कर रहे हो इसलिए कुछ नहीं हो रहा, तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो। आपको एनर्जाइज कर रहे हैं टू डू समथिंग फिजिकली, और यही चीज है कि परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके विरोध में कर रहे हैं? आपके करने से वो कर देगा, इसका मतलब परमेश्वर आपके सामने झुक गया। हाँ, सवाल ही नहीं उठता। जिस दिन तुम उसके सामने धराशायी जाओगे, प्रभु अब हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ उठा दो, मैं हार मानता हूं, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, सब कुछ सुन के देख लिया है। सुन लो पूरी दुनिया की, जिस दिन सुनने से थकोगे नहीं, जिस दिन थक जाओगे हार मान लोगे, प्रभु मैंने सुन लिया, सुन के भी कुछ नहीं हुआ। एक बात बताइए, जब आदम और हवा ने फल खाया था, उससे पहले वो परमेश्वर की इमीडिएट प्रेजेंस में थे, इसका मतलब परमेश्वर को देखते भी थे, परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे, फेलोशिप थी, और रियल फेलोशिप विथ गॉड। फल खाने के बाद उनकी कौन सी सेंसेस काम करना बंद कर दी थी और कौन सी सेंस काम कर रही थी? केवल कान काम कर रहे थे, बाकी सब बंद हो गया था। स्पिरिचुअली डेड आदमी की पहचान बताएं मालूम क्या है? सिर्फ कान, वो हर समय इधर उधर कान लगा रहता, किसने क्या कहा है, अच्छा वो ऐसे कह रहे थे, अच्छा उन्होंने मेरी बुराई की, हाँ। और कभी कभी बुराई करने में भी बड़ा आनंद आता है, अरे उनके बारे में मुझसे पूछे, अरे वो तो ऐसे है वो तो ऐसे है, अरे पूरा दिन एंजॉय करते हैं बुराई करने में, सोचते भी बुराई है, इन्होंने मेरे से ऐसे बोला, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मन खराब है उनके प्रति, अब उनके प्रति बुराई है, प्रभु इनका नाश कर दे। अरे वो कहेगा यार ये क्या बातें कर रहा है, जो सोच रहा है वही बोल रहा है, जो बोल रहा है वही सोच रहा है, जो सुन रहा है वही सोच रहा है, जो सुन रहा है वही बोल रहा है। क्या सुन रहे हैं? कौन सा वचन सुन रहे हैं? किसके द्वारा सुन रहे हैं? उसकी जिंदगी को आप कितना जानते हैं जिसके द्वारा आप सुन रहे हैं? आप पर्सनली उसको कितना जानते हैं? वो स्टेज पर आपको फरिश्ता लग रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकली उसकी लाइफ में उसके परिवार और बच्चों के साथ वो कैसा है आपको मालूम है? आप उसके वचन सुनकर, हाँ इन्होंने ऐसा बोला। हालेलुया। लोग क्या कर रहे हैं? गलत बातें सुन रहे हैं, गलत बातें फॉलो कर रहे हैं, और परमेश्वर परमेश्वर कर रहे हैं। कितना जानते हो परमेश्वर है क्या? एक्चुअली परमेश्वर है क्या? परमेश्वर आत्मा है, आत्मा दिखती है, लेकिन परमेश्वर तो दिखता है। अब आपकी बुद्धि से ऊपर बोल दिया मैंने, परमेश्वर दिखता है। बाइबल में पुराने नियम का निचोड़ दिया हुआ है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर को देख सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए? ना 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 ना, ना कुछ नहीं। जितनी चीजें आप ये आपकी युक्तियां हैं जो आप लगाते हैं, ये कर लेंगे तो हो जाएगा, ये कर लेंगे तो हो जाएगा, ये कर लेंगे तो हो जाएगा। पवित्र आत्मा ऐसे आई गई। पवित्र का मतलब पहला तो पवित्र, जब तक तुम पवित्र नहीं होगे, तुम्हारा दिल पवित्र नहीं होगा, तुम्हारे विचार पवित्र नहीं होंगे, पवित्र आत्मा कहां से आ जाएगा? हालेलुया। तुम पतन की अवस्था में हो, हाँ? तुम स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल साइड तुम्हारा बिल्कुल एकदम जीरो है, फॉर्मेट लगा हुआ है, फिजिकल पार्ट काम कर रहा है। अब फिजिकल पार्ट में सब ईविल, तुम्हारे विचार अशुद्ध, तुम्हारी नजर अशुद्ध, तुम्हारे कान अशुद्ध, तुम्हारे जबान अशुद्ध। तो अशुद्ध व्यक्ति के में पवित्र आत्मा कैसे आ जाएगा? इसके बावजूद यीशु मसीह ने कहा था कि तुम परमेश्वर को देख सकते हो।
देखना चाहेंगे? पढ़ लीजिए, लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय निकालिए। यीशु मसीह ने किस आधार पर यह बात बोल दी थी? एक मिनट मैं भी तो निकालूं। हाँ, ये इसका 8 होगा, 8। धन्य है वे, क्वेश्चन नंबर 1, यू आर एंड वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। सच सच बताइएगा कि के मन शुद्ध हैं, आप परमेश्वर को क्यों नहीं देख सकते? कैसे होगा शुद्ध? सरेंडर कर दो, कुछ नहीं। यदि फिर क्रिया निकली, इंसान से कभी कुछ क्वेश्चन कीजिए, उसमें एक क्रिया जरूर बताएंगे, ये करेंगे तो होगा, और यही जीरो करना है। हाँ, वो आपको अपने आप को, वो स्वेच्छा का, अपनी स्वेच्छा का मालिक है। वो जिस दिन आपको अपने आप को दिखाना चाहेगा ना, वो अपने आप को प्रकट कर देगा। ये पर्सनल है, इसी को बोलते हैं रेवलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रकटीकरण व्यक्तिगत तौर पे। नए नियम में यीशु मसीह ने पब्लिकली रेवलेशन, यानी पब्लिकली परमेश्वर को आप नहीं देख सकते, लेकिन पर्सनली आप परमेश्वर को देख सकते हैं। हालेलुया। अब आप पब्लिक वर्शिप सर्विस में जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पर्सनली परमेश्वर आपको, अपने आप को प्रकट करेगा। वो पब्लिक प्लेसेस में नहीं है, यानी रिलीजियस प्लेसेस पर वो नहीं है। हालेलुया। कलीसिया में उसकी उपस्थिति है, लेकिन कलीसिया में भी परमेश्वर तो है, क्योंकि वो हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट। लेकिन आपके यहां पर उपस्थित सभी लोगों के जीवन में वो जिस जिस को चाहेगा उसको पर्सनली अपने आप को रिवील करेगा, ये उसकी अपनी इच्छा है। हालेलुया। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं। जब आप कुछ करें, आपके करने से कुछ होगा नहीं, तो क्यों करें? लेकिन लोग मालूम है प्रयास कर रहे हैं, मत करो, वो अपनी मर्जी का मालिक है। जितना प्रयास करोगे ना, उतना तुमको अंधेरे में फिसलन बड़े रास्ते में डाल देगा। जाओ करते रहो प्रयास, सारी जिंदगी एक जगह खड़े खड़े कूदते फांदते रहो, कुछ नहीं मिलेगा ही नहीं। हम आपको एक चीज बताना मांग रहे हैं कि अब पतन की अवस्था में मनुष्य के केवल कान परमेश्वर की आप आवाज सुन सकते हैं, परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे जब तक कि परमेश्वर अपने आप को आपको प्रकट ना करे। हालेलुया। पुराना नियम का प्रचार ज्यादा सुनेंगे ना, भटक जाएंगे, वहां इल्यूजन है, क्योंकि फुल अंडरस्टैंडिंग आपको कभी नहीं मिलेगी वहां। विदाउट जीसस, न्यू टेस्टमेंट के बिना ओल्ड टेस्टमेंट कभी क्लियर नहीं होगा। कॉमन सेंस आपकी कभी काम नहीं करेगी विदाउट द न्यू टेस्टमेंट। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा पद पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने, आदि का मतलब इन द बिगिनिंग, बेरेशित, हिब्रू में है बेरेशित, बेरेशित पूरी बाइबल का इंटरप्रिटेशन है, बेरेशित ये हिब्रू वर्ड है, यानी इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग यानी आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और अंधियारे के ऊपर, देखिए जल जीवन का प्रतीक है, पृथ्वी पर जीवन का प्रतीक जल था, जीवन था, लेकिन उस जीवन पर अंधकार था, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, है ना। अब क्या था? अंधकार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा, है ना, परमेश्वर का आत्मा मीन्स प्रेजेंस ऑफ गॉड, और ये प्रेजेंस ऑफ गॉड है
लेकिन नीचे अंधकार है और उसके नीचे जीवन है। ठीक, आगे। जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने गॉड स्पोक, लेट देयर बी लाइट। हिंदी में ऐसा लिखा हुआ, इंग्लिश में पढ़ दीजिए ये तीनों वर्स इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश बाइबल। हाँ हाँ, नॉर्मल में पढ़ दीजिए। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस, हेवेंस नहीं लेकिन हेवेंस है रियल में, हेवेंस एंड द अर्थ, अर्थ एक है एंड देयर आर सो मेनी हेवेंस। जी हाँ, इंग्लिश में इसमें आ जाइए। इन द बिगिनिंग गॉड प्रिपेयर्ड, फॉर्म्ड, फैशन, क्रिएटेड का मतलब है प्रिपेयर्ड, फॉर्म्ड और फैशन्ड, क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, अर्थ इज ओनली वन एंड देर आर सो मेनी हेवेंस। ठीक, हाँ। द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म एंड एन एम्प्टी वेस्ट एंड डार्कनेस वॉज अपॉन द फेस ऑफ द वेरी ग्रेट डीप। द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज मूविंग, होवरिंग, ब्रूडिंग over the face of the waters, and God said, let there be light. अब इंग्लिश जो लोग जानते हैं तो टेंस कितनी जल्दी पलट गया, लेट देयर बी लाइट कहने की देर नहीं थी एंड देयर वॉज लाइट वहां, और हिंदी में लिखा वहां उजियाला हो गया ना, वहां उजियाला था। भाषा का अंतर पकड़िए आप, और आप इसी हिंदी बाइबल से ट्रुथ देख रहे हैं, मिलेगा ही नहीं। इसीलिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने दिया था, ये अक्षर ज्ञान पे छोड़ के नहीं गया, वो आपको बाइबल के भरोसे नहीं छोड़ गया था अपने चेलों को, वो कलीसिया को बाइबल के भरोसे पे नहीं छोड़ के गया था, वो कलीसिया को छोड़ के गया अपनी आत्मा के भरोसे। आज कहां है पवित्र आत्मा? सब लोग तो ये अक्षर ज्ञान लेकर खड़े हुए हैं और अलग अलग वर्जन से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग भाषा से अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो हिंदी के प्रचार कर रहे हैं कि वहां उजियाला हो गया, एंड देयर वाज लाइट, वहां उजियाला था, उजियाला नहीं था, परमिशन का हो और था। टेंस बदल गया, द स्पीड ऑफ लाइट, वी आर लिविंग इन द लाइटनिंग स्पीड। हम आज उसी युग में है जो प्रकाश की गति वाला योग है, चट 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 चट, सबसे फास्टेस्ट फास्ट जो गति है वो प्रकाश की है, और हम लोग सबसे ज्यादा स्लो हैं। मालूम क्यों? बिकॉज द ह्यूमैनिटी इज अंडर फॉलन स्टेट, सब डार्कनेस में। पहली चीज क्या क्रिएट की थी? लाइट, और लाइट आने के बाद उसने क्रिएशन का काम शुरू किया था। फर्स्ट क्रिएशन, सारी सृष्टि की रचना उस प्रकाश में हुई जिसे परमेश्वर ने प्रकट किया। क्वेश्चन ये है कि इसका चौथा पद पढ़िए, उत्पत्ति एक अध्याय का चौथा पद। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने, बल्कि इसका चौदह पद पढ़िए, चौदह पद। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वो चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वो ज्योतियां आकाश के अंतर में हैं, पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी हो, और वैसा ही हो गया। सूरज चांद तारे कब बनाए? पढ़ लीजिए नीचे, ये कौन सा दिन था? हाँ, दो बड़ी हाँ, और ये कौन सा दिन था ये देख लीजिए,
चौथा दिन, तो पहले दिन जो रोशनी हुई थी वो क्या था? Who is the first day? Who is the light? किसके पास? वो मसीह था। मसीह में सारी चीजों की सृष्टि हुई है। लोगों को मसीह नहीं समझ में आया, आज तक नहीं आया। लोग उसी से दूर भागते हैं, उसी को तिरस्कार करते हैं, उसी ज्योति को निकाल लीजिए मेरे साथ, आपको अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है और वचन से बोलता है। जिसने वचन लिखाया वही वचन बोलता है, उसी को मालूम है वचन में कहां क्या लिखा है। कुलसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, कुलसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद से पढ़िए। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि में, वो सृष्टि में जो पहला लाइट आई थी वो कौन था? किसने पहचाना? वो ज्योति है। ज्योति आपके किसी काम की नहीं, पूछिए क्यों। अभी यहां लाइट है, आपको इससे क्या मिल रहा? नहीं, आपको लाइट अभी जल रही है, आपको क्या मिल गया? आप नहीं, रोशनी तो मिल रही है और आपका मन परेशान है, ये रोशनी से आपको क्या मिलेगा? इसीलिए तो लोगों को रोशनी नहीं चाहिए। लोगों को जब जब आपका मन उदास होता है आपको क्या चीज अच्छी लगती है? अंधेरा। लाइट बंद करो, आराम से चुपचाप बैठ जाओ। उससे तो रोशनी मिलती। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की किसमें, और जो लोग सृष्टि की आराधना कर रहे हैं वो किसकी, किस प्रतिरूप की आराधना कर रहे हैं? जिसकी रोशनी में सारा क्रिएशन क्रिएट किया गया, तुम उस क्रिएशन की वर्शिप कर रहे हो, उसकी नहीं। उसको तो तुम निराधार कर रहे हो, उसके विरोध में जीवन जी रहे हो, उसके विरोध में तुम्हारा स्वभाव है, और तुम उसके रोशनी में जिन चीजों को बनाया गया उनकी तुम वर्शिप कर रहे हो। यही तो इंसान की खासियत है। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा दिख गया, वहां से रोशनी दिख गई, उस व्यक्ति को पकड़ो। हाँ, यीशु मसीह ने अपने आप को पकड़ा। इसीलिए सबसे पहली चीज यीशु मसीह के पीछे चलने की क्या मालूम, अपनी खुदी का इनकार करना। मैं कुछ नहीं हूं। इसके लिए आपको बहुत कड़े तरीके से इसका विरोध करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं हूं, मुझे मत पकड़ो। आई एम नथिंग, मैं तो मट्टी का मानव हूं। वो अपने आप को आप पर भी प्रकट करना चाहता है। आप भी उसकी सृष्टि में आते हैं, हम सब उसकी सृष्टि हैं। तो हम उसकी सृष्टि होकर कैसे किसी को ईश्वरीय स्वरूप में ग्रहण करते हैं? ये पाप है। मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके नमन पहली आज्ञा है। और आपने अगर कहीं किसी को आपने ईश्वर बनाना शुरू कर दिया, माइंड में बनाते हैं, बस आपने वो पहला हुक्म पहले तोड़ दिया और फिर सारे हुक्म टूट जाए, आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, आपका जीवन बिल्कुल डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, आप उसमें से निकल नहीं पाएंगे। जी, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सारी चीजों की सृष्टि मसीह में हुई है। जी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। उसके द्वारा तो सृजी गई लेकिन उसी के लिए है, और सारी वस्तुएं उसी में जाके पूर्ण होंगी। जी, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में। आपका जीवन अस्थिर क्यों है? मसीह में नहीं हो सारी जिंदगी अस्थिर रहेगी, विचार अस्थिर रहेंगे, जीवन डिसबैलेंस रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, कभी वो कभी वो, चेंजिंग होती रहेगी। जी, वही देह दे कौन, जिसमें सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है और सारी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, वही कलीसिया का सर है। और तुम
नहीं वो दे है, और आगे क्या लिखा, और तुम वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा। आज तक कोई मर के जी नहीं उठा जी, के सब बातों में आपके जीवन में पता नहीं कौन प्रधान आपने बना रखा है जो आपको भटकाता रहता है। आप पता नहीं किसकी सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। ये आपका मालूम है डिसऑर्डर कहां से चल रहा है, और आजकल आंख और कान दोनों एक जगह लगे हुए, मोबाइल आपको भटकाने के लिए कुछ नहीं करना है। बच्चे को भटकाना हो आप उसको मोबाइल दे दीजिए, और वो भी एंड्रॉइड। उसके बाद फिर आप बच्चे को संभालते रहिए, वो आपको ना दौड़ाता रहे ना दौड़ाता रहे ना दौड़ाता रहे, आप कितना पीछा करोगे। सोर्स ही आपने दे दिया ना उसको, फॉल्स सोर्स फॉल्स डेस्टिनेशन की ओर ले जाएगा, राइट सोर्स राइट डेस्टिनेशन की ओर ले जाएगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइट्स आल्सो, दो प्रकार की रोशनी है, ज्योति दो प्रकार की है। अब आप चौंक गए होंगे, बाइबल को जो लोग अच्छी तरीके से अभी नहीं समझ पाए हैं, लोग अग्नि 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 कर रहे हैं, ज्योति 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 कर रहे हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइट, एक फॉल्स लाइट है एक ट्रू लाइट है। यीशु मसीह ने कहा सच्ची ज्योति जो जगत को प्रकाशित करती वो मैं हूं। उसने सच्ची ज्योति क्यों बोला, इसका मतलब झूठी ज्योति भी है। आपको मालूम है शैतान खुद भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है। अब शैतान में और यीशु मसीह में अंतर कैसे करोगे? मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, सोने से सोने में जो कैरेट का अंतर होता है उसी से दाम का अंतर होता है, वो कैसे करोगे? नहीं तो ये तो लैब टेस्टिंग वाला मैटर है, हर आदमी आंखों से तो नहीं कर सकता। बोल सही बोला उन्होंने, लेकिन वो लैब टेस्टिंग का यानी जांच का विषय है, वो अप्रूवल लेना पड़ता है लैब से। उसमें भी 99% तक ही बताएगा, 100% वहां भी नहीं। तो आप दोनों ज्योति में अंतर कैसे करोगे, विच इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स? सारी दुनिया आराधना कर रही है, किसकी कर रही है, किसकी कर रही है? आराधना पसंद कौन करता है? बाइबल पढ़ते हैं सुनते हैं, किसको पसंद है कि आराधना करते रहे लोग? तो आप जो लोग आराधना में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं वो किसको प्रसन्न कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने इतने चार गॉस्पल लिखे, कहां पर भजन कीर्तन किया, इसीलिए तो लोगों ने उसको एकदम रिलीजियस लीडर नकार दिया, ये भजन कीर्तन नहीं करता, ये वर्शिप वर्शिप नहीं करता है, ये सिर्फ सत्य बोलता है, और लोगों को सत्य से भटकाने के लिए भजन कीर्तन में लगा दो, उसमें उनका मन लगेगा क्योंकि भावना है उसमें, अरे भावना में भर जाते एकदम। देखिए आप कैसे वहां पे फिर झूमने नाचने वहां सब डोलने उलने सब लगते हैं, एवरी टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज देयर, उछलना कूदना और अजीब अजीब आवाजें निकालना ये सब होने लगता है। मेरी बात बुरी लगे माफी भाई, सत्य होता ही ऐसा, हम क्या करें? जो चीज आप नहीं देख पा रहे हम पर्दा उठा रहे हैं, तो आपको वही बता रहे हैं जो एक्चुअल होना चाहिए वो है ही नहीं। प्रेयर ऑल्सो द पार्ट ऑफ वर्शिप सर्विस, प्रार्थना ज्यादा कर रहे हैं, वचन पे मनन कोई नहीं कर रहा, क्योंकि हार्ड बातें कोई बोलेगा ही नहीं प्रचारक, बोलेगा तो उसके फॉलोअर घट जाएंगे। और आप मेरे स्टडी वाले में देख लीजिएगा, घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के वो घटते भी हैं। घटना भी चाहिए, घटना बढ़ना ग्रोथ है, और किसी चीज में एकदम दर 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 रात भर में लाखों आ गए वो फॉल्स फॉल्स लाइट जाओगी वहां फॉल्स फॉलोअर आपको मिल जाएंगे चक से। रात भर में इतने फॉलोअर, कुछ उनको आपकी बातों में कुछ मजा आ गया, लेकिन ट्रुथ में मजा सबको नहीं आएगा। तो वहां पर मालूम क्या है, कुछ घटेंगे कुछ घट के बढ़ के घट जाएंगे, फिर घटेंगे फिर बढ़ेंगे घटेंगे, तो जाए के ना जाए ये तो बड़ा कठिन वाला है, ये तो बड़ा उबने वाला है, ये तो बड़ा नीरस है, अरे इनके समझिए में नहीं आता, बड़ी हार्ड, पता नहीं क्या क्या बोल रहे, वो कुछ नहीं वहां नहीं वहां कोई नहीं घुसेगा। हालेलुया, हमको चट्टान मिल गई है, हमें मालूम इस पर कोई नहीं आएगा, गलत आदमी तो घुसेगा ही नहीं, भाग जाएगा। हालेलुया। और हमें फॉलोअर्स नहीं चाहिए, यीशु मसीह को
आराधना करने वाले नहीं चाहिए। उसने कहा पिता की उसने एक स्त्री से जब सामरी स्त्री से बात कर रहा था, वो कहने लगी मेरे हमारे पूर्वज इस पहाड़ पे आराधना करते थे और हम लोग भी ये करते हैं। कई बार आप भी पूर्वजों की आराधना, पूर्वजों की पूजा पाठ, ये सब चीजों की बातें करते होंगे, सोचते होंगे। यीशु मसीह ने कहा कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए ना तो यरूशलेम है और ना पर्टिकुलर प्लेस जिसे तुम कह रहे हो पूर्वजों की, जहां पिता की आराधना करने वाले की कंडीशन क्या है। मेरी पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वालों को पिता खोज रहा है। अरे यार, हमने जब ये बात पढ़ी, यीशु मसीह ने कहा उस स्त्री से कि पिता सच्ची आराधकों को खोज रहा है, ट्रू वर्शिपर्स खोज रहा है, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, तो मैंने पृथ्वी पर देखा इतने आराधना करने वालों में पिता को दिख ही नहीं रहे। पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, ये आत्मा और सच्चाई से कोई भी नहीं कर रहा है, ये सब फिजिकल एक्ट है। वर्शिप इज ऑल्सो अ फिजिकल एक्ट, जिसमें वो म्यूजिक में, लय में, भावनाओं में भर के गाते हैं, बजाते हैं, बजाने वाले बजाते हैं, गाने वाले गाते हैं, नाचने वाले नाचते हैं, सब ये हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अ रिचुअल फिजिकल एक्ट। फिर उसने पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि जाकर चारों गॉस्पल में देखो यीशु मसीह ने पब्लिकली कहां पर प्रेजेंट वर्शिप किया और भजन कीर्तन किया। मैंने जाके ऑब्जर्वेशन किया, देखा कहीं नहीं किया। वो क्या था जो यीशु मसीह नहीं कर रहा था और वो क्या है जो आज लोग कर रहे हैं? क्या चीज की कमी दिख रही है ना? लाइट इज द प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है प्रकाश, क्योंकि प्रकाश दिखता है। आप रोशनी में सब कुछ देख सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में आप वो चीजें देखेंगे जो संसार में नहीं दिख रही है। और जो संसार में दिख रहा है वो संसार का ईश्वर है, उसी की आराधनाएं चल रही है, उसी का सिस्टम चल रहा है। आप वो भी देखिए और परमेश्वर की उपस्थिति में आप परमेश्वर क्या आपको दिखा रहा वो भी देखो और फिर डिफ्रेंशिएट करो कि आप कहां पसंद करते हो, इन द वर्ल्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की ज्योति किसके द्वारा, परमेश्वर ज्योति है और उस ज्योति को प्रकट किसने किया? बिना माध्यम के परमेश्वर कभी प्रकट हो ही नहीं सकता। वो माध्यम कौन था? लाइट इन द पर्सनिफिकेशन ऑफ जीसस, इसीलिए लिखा हुआ है वो परमेश्वर का अदृश्य रूप, प्रतिरूप, एग्जैक्ट कॉपी। वो एग्जैक्ट कॉपी था परमेश्वर पिता की, जिसने पिता को इस संसार में प्रकट किया। कितनों ने उस पर विश्वास किया? आज तक वही दशा है। हालेलुया। लोग हल्के में ले रहे हैं। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका पहले पद से पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। आदि में वचन था, किसके साथ था? कौन? वचन परमेश्वर के साथ था और वचन है परमेश्वर। कौन था? आदि में और वचन परमेश्वर के साथ था। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आदि में वचन था सिंगुलर, वचन परमेश्वर के साथ था प्लूरल, दो हो गए है, और वचन ही परमेश्वर था, यानी दोनों एक। ये दोनों एक, ये दोनों कौन थे? मसीह और पिता, ये दोनों एक है। यीशु मसीह जब आया यहूदियों से कहने लगा, क्योंकि उनके पास ये बाइबल थी, हमने आपसे बताया इन द बिगिनिंग बेरेशित, ये पूरी बाइबल का इसी में सारा भेद है, एक वर्ड में पूरी बाइबल है हिब्रू में बेरेशित। उसने कहा मैं पिता हूं, मैं एक। किसी ने नहीं माना, किसी यहूदी ने नहीं माना। अरे इतना परमेश्वर के वचन के जानकार लोगों ने वचन की जानकारी से भी उसको नहीं पहचाना, तो परमेश्वर ने यह कहा कि मनुष्य ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, तो अब मैं मूर्खता से ही कराऊंगा, अब मैं ऐसी मूर्खता रखूंगा जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, ना यहूदी करेंगे ना अन्य जाति करेंगे। और वही हो रहा है, जैसा बाइबल बताती है वैसे ही परमेश्वर की, यानी पूरी दुनिया परमेश्वर की योजना में, आप भी उसकी योजना में हैं।
अब उसकी योजना में आप उसके विरोधी सेक्शन में हैं या आप उसके सेक्शन में, बस इतना अंतर है जी। आगे पढ़िए, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा, किसके द्वारा ना, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अभी आपको आपको वहां क्राइस्ट मिल जाएगा। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। और किसमें? उसी में जीवन था, ही इज द सोर्स। आपको मालूम है पृथ्वी पर जीवन का स्रोत पानी नहीं है, जीवन का स्रोत है लाइट। लाइट फिजिकल वर्ल्ड में जीवन का स्रोत सन है, सूरज है जो रोशनी का स्रोत है। इसी तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ में सन ऑफ राइटसनेस, धार्मिकता का सूर्य यीशु मसीह है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो है सोर्स ऑफ लाइट और लाइफ। हालेलुया। कौन सी धार्मिकता है? धर्म कर्म, सब अपना अपना धर्म कर्म बना रहे हैं। डू दिस, डू लाइक दिस, ये क्या चल रहा है? ये सब अंधकार में, ये सब अंधकार में, किसी के पास रोशनी नहीं है। उसी में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की और ज्योति, ज्योति अंधकार में चमकती है, पर अंधकार ने क्या नहीं किया। अब इंसान में देख लीजिए, ज्योति की संतान और अंधकार की संतान, इग्नोरेंट लोग जो शैतान के पाले में बैठे हुए हैं, शैतान के पूरे वश में हैं, इल्यूजन डिल्यूजन, उनके जीवन में आप लाइट चमका देंगे तब भी वो लाइट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सबको उसकी मर्जी पे छोड़ दिया। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता, जबरदस्ती आपको घसीट के नहीं लाएगा, जबरदस्ती आपसे नहीं कहेगा ये मानो। परमेश्वर आपको ज्योति दे, ज्योति आपके पास है, लेकिन आप ज्योति को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आपको अंधेरा पसंद है। मालूम क्यों पसंद है? क्योंकि आप, हमारे विचार और हमारे काम बुरे हैं जो छुपके करने वाले हैं, इसलिए हम परमेश्वर से भागते हैं। यहां पे आप देखेंगे तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि आदि में वचन था, मतलब परमेश्वर ने कहा, गॉड स्पोक, रेमा बोलते हैं इसको, स्पोकन वर्ड विथ गॉड। व्हेन गॉड स्पोक लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो परमेश्वर के वचन के बोलने से प्रकाश हुआ। नहीं अभी समझ में आया? परमेश्वर ने, परमेश्वर की आत्मा ने जब वचन बोला तो प्रकाश हो गया, और उस प्रकाश में उसने सारी सृष्टि को प्रकट कर दिया। उसने ये नहीं कहा ये चीज बन जाए, हर चीज का प्रगटीकरण तो हुआ है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्रिएशन इन द लाइट। हालेलुया। अब आपको समझ में आया, पहली पहली सृष्टि में परमेश्वर ने कुछ बनाया नहीं, हाँ कुछ दिखता नहीं था क्योंकि पूरी सृष्टि पे अंधेरा था। परमेश्वर ने प्रकाश को, गॉड स्पोक, परमेश्वर की आत्मा ने बोला कि प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया, और उस प्रकाश में सारी सृष्टि को प्रकट किया। वो प्रकाश कौन था? मसीह में सारी सृष्टि की रचना हुई और सारी सृष्टि का प्रकटीकरण हुआ। अब मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए यहां पे रोक के, और आ जाइए भजन संहिता 19 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 19 अध्याय पहला पद, आकाश परमेश्वर की कौन, परमेश्वर की महिमा का मतलब क्या होता है? नहीं, ग्लोरी का, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है? हाँ? देखिए, महिमा का मतलब होता है अ लाइट टू बी सीन, यानी वो प्रकाश जो हम देख सकते हैं। आपको मालूम है आप सूरज को डायरेक्ट नहीं देख सकते। कोई ये कहेगा कि मैं सूरज डायरेक्ट देख सकता हूं? अगर डायरेक्ट देख लिया तो क्या होगा? आपकी आपकी हाँ आपकी रेटिना खराब हो जाएगा। आप सूर्य को डायरेक्ट नहीं देख सकते, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं।
अगर सूर्य को किसी चीज में आप परावर्तित करा ले ऐसे, उधर सूर्य आपके पीछे, हाँ नहीं वो उसी को ग्लोरी बोलते हैं। ग्लोरी का मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी में हेडलाइट है, जाकर आज अपनी हेडलाइट को ध्यान से देखिएगा, उसमें जो बल्ब लगा है उस बल्ब के आगे ब्लैक होता है, वो बल्ब की रोशनी डायरेक्ट सामने नहीं जाती है, उसके पीछे लगा होता है रिफ्लेक्टर, वो लाइट उस रिफ्लेक्टर पे पलती है और उससे प्रकट होती है, तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है इसीलिए, लेकिन उसकी जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम हो जाता है ताकि आंख पर इफेक्ट, हाँ आपकी आंख जुंधिया ना जाए। इसीलिए जिस लाइट को मनुष्य डायरेक्ट नहीं देख सकता उसको रिफ्लेक्शन में देख सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर वो ज्योति है जिसे देखकर मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। देखना चाहेंगे परमेश्वर को? नहीं, जैसे मना किया गया कि ऐसे मत देखना, मूसा ने कहा मुझे अपने आप को दिखा दो, ना ना मुझे देखकर तू जिंदा नहीं रह पाएगा। परमेश्वर की कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी बच्चों की तरह लोग बोलते हैं कि परमेश्वर कहता भी ये ना समझ है इसलिए मुझसे ऐसी जिद कर रहा है। जिस दिन ये समझदार हो जाएगा जिद करना बंद कर देगा। लोग जिद कब करते हैं? छोटे बच्चे हैं वही जिद करते हैं, जब समझदार हो जाते हैं जिद नहीं करते हैं। और बड़े लोग भी जब जिद करते हैं इसका मतलब वो ना समझ है इसलिए जिद कर रहे हैं। हालेलुया। जिद कह लीजिए, ढिठाई कह लीजिए, हट कह लीजिए, वो एक ही चीज है। आज्ञा ना मानना ये जिद है, और ये जिद इसलिए है क्योंकि आप नहीं समझ रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं या जो कह रहे हैं वो गलत है। आज्ञा मानना, इसीलिए परमेश्वर आज्ञा मानने वाले पे बहुत प्यार करता है। नहीं मानते हुक्म उनको बलवाई कहता, कहता है ना ये बलवा करने वाले हटाओ। हाँ वो एकदम आपका डेस्टिनेशन चेंज कर देगा। अनाज्ञाकारी कभी मत बनिएगा। हर चीज को एक्सेप्ट कीजिए। आपको अच्छी मिल रही है, आपको पसंद आ रही है तो धन्यवाद कर रहे हो, जब आपको पसंद नहीं आ रही कुड़कुड़ा रहे, एकदम आपे से बाहर हुए जा रहे हैं। जब अय्यूब के पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा, उसके बच्चे एक दिन में सब मर गए, उसका सारा घर लूट गया, अमीर आदमी सब खत्म हो गया, जीरो पे आके राख पे बैठ गया, उसकी पत्नी कहने लगी परमेश्वर की निंदा करो मर जा। उसने कहा ना तू मूर्ख स्त्रियों की सी बातें करती, जिसके हाथ से हम सुख लेते उसके हाथ से दुख ना ले। बैलेंस, इसको कहते हैं परमेश्वर को जानने वाले लोग। जरा सी तकलीफ परमेश्वर का निरादर, आज्ञा मानना छोड़ दिया, आपे से बाहर हुए जा रहे हैं, ये क्या है? और जिद क्यों? ये मानसिक समस्या है। जिद, जिद्दी होना, क्रोधी होना, हटी होना, ये सब मानसिक समस्या है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करो तब, ताकि तुमको रिफ्लेक्शन में क्लियर हो जाए, परमेश्वर की आत्मा को तुम देख सकते हो इन द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाँ हाँ वो बहुत भयानक वाले हैं, आने दीजिए, वो तो एंड टाइम प्लेग्स में है। मालूम है ये एंड टाइम प्लेग्स बाइबल में है, उसका समय आने दीजिए। अभी अभी देखिएगा कैसे त्राही त्राही मस्ती है, भूल जाएंगे सब। और सबसे ज्यादा बेसुध हिंदुस्तान के लोग हैं, दे हैव नो अवेयरनेस। हालेलुया। वो गुप्त है, अभी परमेश्वर ने सब चीजें रखी हुई है। डिस्ट्रक्शन इस पृथ्वी पर ही है, ऊपर से नहीं आएगा, सब यहीं से होगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन चरित्र, जीवन शैली जो चल रही है ना, ये परमेश्वर की योजना के बिल्कुल विरुद्ध चल रही है, बिल्कुल विरुद्ध। जैसे नूह के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में, एकदम एग्जैक्टली वैसा ही है। बहुत सी चीजें आप अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बहुत सी चीजें जहां तक आपका लेवल क्लियर हो गया वहां तक आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है कि ये परमेश्वर का क्रिया, ये परमेश्वर ने क्रिएट किया है, और लोग उस क्रिएशन की वर्शिप कर रहे हैं। लेकिन वो क्रिएशन किया किस में है? मसीह में, और उसी मसीह का विरोध कर रहे हैं, क्रिएटर का विरोध कर रहे हैं, क्रिएशन की वर्शिप कर रहे हैं। व्हाट दे आर डूइंग।
अब आप यीशु मसीह के विषय में सुन लीजिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा का मतलब क्या? आपको यीशु मसीह के पीछे चलने का ये मीनिंग मालूम होना चाहिए कि कौन उसके पीछे चल रहा है और कौन नहीं चल रहा है। वो सन ऑफ राइचसनेस है, यानी धार्मिकता का सूर्य है, और जितनी धार्मिकता आपको दिखाई दे रही है इन द चर्चेस, वो कौन सी धार्मिकता है? आर दे फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट? क्या वो मसीह के फॉलोअर है? क्योंकि उसने कहा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, और जो अंधकार में नहीं चलेगा वो जीवन की ज्योति पाएगा। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। समीकरण क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है ना? लेकिन वो ज्योति को आप और हम कैसे क्रियाओं में कैसे उसको प्रकट कर सकते हैं? जितनी क्रियाएं आपको देखने को मिल रही है, इसको पाखंड बोल सकते हैं। पाखंड का मतलब वो करा जा रहा है जो वो है नहीं अंदर से, वो काम वो करके दिखा रहे कि ना हम हैं। झूठ। एक पद और निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा इसी में, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़ लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 10 और 11 पद। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा, ये देखिए फिर लीजिए, प्रमाण दीजिए। एक प्रमाण थोड़ी ना है, भरी पड़ी बाइबल प्रमाण से। वो कौन? मसीह जगत में था और जगत उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे आज कितने लोगों ने उसको पहचान लिया है? ये जितनी क्रियाएं लोगों को सिखाई जा रही हैं, ऐसे मत करो, ये मत करो, ऐसे करो तुम्हारा भला हो जाएगा, ये सब झूठ, ये आपको भ्रमित किया जा रहा है ताकि आप वो सब चीजें करते रहो, परमेश्वर आपसे नाराज रहे। जितना आप करेंगे परमेश्वर नाराज रहेगा, करके देख लो। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें इंसान बनाया, जाओ मेहनत करो, मेहनत से काम करो, और अपने परिश्रम से जब तुम काम करने लगोगे ना, उस दिन मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने कभी किसी वेले बंदे को नहीं बुलाया, बैठे आदमी को कभी नहीं बुलाया। आपको मैं दिखा दूं, जितने बिजी लोग थे उनसे कहा, ये छोड़ दे मेरे पीछे होने। यीशु मसीह ने कितने चेले बुलाए थे, और वो उनको जाके देख लीजिएगा किस किस को चुना था। वो घर में सो रहा था, उसका आया, तू कुछ नहीं कर रहा मेरे पीछे होने ना। सब अपने वर्किंग वाले थे, सब बिजी लोग थे। मती जो टैक्स कलेक्टर था, बहुत बिजी आदमी था, और वो अपने वहां पे ड्यूटी पे था। यीशु मसीह उसके पास गया, कहने लगा मेरे पीछे हो ले। उसने सब कुछ छोड़ा, उसके पीछे हो लिया। किस किस को बुलाया? आपको वो तभी बुलाएगा जब आप बहुत बिजी होंगे। जब आप फ्री बैठे होंगे कभी नहीं बुलाएगा। एक व्यक्ति आया यीशु मसीह से, कहने लगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे रहूंगा, तेरे साथ रहूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं जाऊंगा। उसने कहा, नहीं मेरे पास तो रहने की जगह नहीं, लोमड़ियों के लिए भट है, पक्षियों के घोंसले, मेरे पास तो रहने की जगह नहीं है, मैं तो ऐसे ही भटकता फिरता हूं, तू मेरे पीछे कहां जाएगा? उसको वहीं से काट दिया। और उसी समय एक लड़का अपने बाप की अर्थी लेकर जा रहा था अंतक्रिया करने, फ्यूनरल, उससे कहने लगा मेरे पीछे बोले। उसने कहा, पिता को पहले गाड़ो, दफन कराओ। उसने कहा, ना उनको मुर्दों को अपने मुर्दे गाने, तू मेरे पीछे। किस समय बुलाया? और ये काम छोड़कर वो आया होगा, कितना लोगों ने उसको भूला होगा। अरे किसको बुलाएगा वो? ऐसे मोड़ पे तुमको बुलाएगा जब तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट काम लगा होगा, तब कहेगा मेरे पीछे बोले, तब तुम परीक्षा में आ जाओगे। इधर जाए किधर जाए, इधर जाए किधर जाए, इधर जाए किधर जाए, और तुम बैठे रहोगे कभी नहीं बुलाएगा। जो लोग फ्री बैठे रहते हैं उनसे परमेश्वर बात ही नहीं करता। बहुत इंटेलिजेंट, हाँ, उसको निकम्मे लोग नहीं चाहिए। उसने अपने चेलों को जब बताया ना, हर एक पेड़ जो अच्छा फल रहा है, निकम्मे पेड़ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी जी, इसलिए यस, आपने बहुत बारीक पॉइंट पकड़ा। यही चीज वो देखता है कि आपने उसको किस लेवल पे रखा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये चेक करेगा। ये मेरे साथ हो चुका है, मेरी मदर की डेथ हुई थी, और हम न्यूजीलैंड जा रहे थे,
परमेश्वर की सेवकाई में बोर्ड इन हो रहे थे, उसी समय फोन आया। उस समय में मोबाइल नहीं हुआ करते थे। हमारे जो मेन थे उनके पास आया, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आपको डिसाइड करना आप वापस जाएंगे या आप सेवा में आगे जाएंगे। हम कंफ्यूज हो गए। हमने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, दोनों दो इंपॉर्टेंट जब आ जाए तब मामला फंसता है। तब हमने उनसे पूछा कि हमें गाइड कीजिए, हमें क्या करना चाहिए, मेरे लिए उचित क्या होगा। उन्होंने कहा मेरे हिसाब से परमेश्वर को प्रथम स्थान देके इसको छोड़ा जा सकता है, बाकी आपकी मर्जी। हमने कहा ठीक, हम ये छोड़ते हैं, परमेश्वर की सेवा में आगे जाएं। हालेलुया। ये चुनाव हमको ही करना है, कोई और नहीं कर सकता। हमें व्यक्तिगत निर्णय लेने हैं, लोगों के बीच में हमारा स्टेटस ऐसा हो ताकि हमारे निर्णय का आदर वो करे। ये जीवन शैली हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी बातों पर लोग भरोसा करें, हमारी बातों पर लोग हमारे निर्णय का आदर करें। लेकिन आपको ऐसा जीवन रखना पड़ेगा, रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे ताकि लोग आपकी बात का आदर करें, आपके निर्णय का भी आदर करें और आपकी आपके जीवन से वो प्रभावित हो, तभी वो आपको, वरना आपका जीवन सही नहीं होगा, कोई आपकी बात नहीं मानने को देगा ना, तुम कहोगे नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, और अंधकार में चलने वाला मेरे पीछे नहीं चल सकता, भाग जाएगा, क्योंकि वो अंधकार में गलत गलत चीजें करके खुद ही फंस जाएगा। जी कहां थे? हाँ, वो अपने घर आया, यानी इसराइल में आया, यहूदियों के बीच में। जी, उसके अपनों ने ले, यहां से फॉर्मूला चेंज हो गया, पर परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस ज्योति को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की किने, जिन्होंने उस ज्योति को ग्रहण किया, इसी आधार पर उसने कहा था मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर चेलों से कहा था तुम जगत की ज्योति हो। आई एम द सन ऑफ राइटसनेस एंड यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द सन लाइट। वो महिमा तुम्हारे जीवन से प्रकट होगी। अगर मैं धार्मिकता का सूर्य हूं, वो धार्मिकता तुम्हारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द लाइट ऑफ लाइफ। हालेलुया। ये डिवाइन लाइट है, और लाइट का काम आप समझ लीजिए, साइंटिफिकली आपको बता दें, रोशनी का काम, सूर्य की रोशनी क्यों, द सन इज द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सूर्य की रोशनी जो निकलती है ना, सूर्य को हटा दीजिए, इस पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। जल रहेगा फिर भी जीवन नहीं रहेगा। लोग कहते हैं जल ही जीवन है, जल का स्रोत भी सूर्य ही है। मौसम कहां से बनता है? सूर्य से। यही मौसम आपको मिलता है, इसी में जल भी आता है। उसके बाद सूर्य की रोशनी पेड़ पौधों पर पड़ती है, तब पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, तब हमको अनाज मिलता खाने को। तो लाइफ का सोर्स भोजन नहीं है, भोजन किसके द्वारा आ रहा है? सूर्य के द्वारा। द लाइट इज द सोर्स ऑफ लाइफ। सूर्य हट जाएगा, भोजन नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देखिए कि इसी के द्वारा सारी चीजें का स्पष्टीकरण होता, प्रकट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइट। जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और ये प्रकाश जो यीशु मसीह है, ये वो प्रकाश नहीं है कि हम यूं करके लोगों को प्रकाश दिखा दें। अगर वो तुम में है तो वो ज्योति है, उसका रिफ्लेक्शन तुम्हारे जीवन से जरूर होना चाहिए। और अगर जिंदगी से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो तुम झूठे। मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए, आपको मिलेगा पहला यूहन्ना पहला अध्याय, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1, पहला यूहन्ना पहला अध्याय, उसका 5 पद से पढ़िए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें तनिक भी अंधकार नहीं है। कितना तनिक का मतलब कितना होता है? जरा सा भी। परमेश्वर ज्योति है, उसमें तनिक भी अंधकार नहीं। जी, यदि हम कहें, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि उसके साथ
प्रूव नहीं होगा। आप किसी व्यक्ति को, प्रचारक को सुन रहे हैं, अपना गुरु मान रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में लोग ये कर रहे हैं, लेकिन उसके जीवन में आपको वो ज्योति नहीं दिख रही है और वो कह रहा है कि मैं मेरी उसके साथ सहभागिता है, आई एम जीसस इज विद मी एंड आई एम विद जीसस। और फिर इसीलिए हमने आपसे कहा था कि जिसको आप सुनकर फॉलो कर रहे हैं उसको व्यक्तिगत तौर पर आप कितना जानते हैं। अमेरिका में बैठा आदमी आपको फरिश्ता दिख रहा है क्योंकि आप उसे नहीं जानते हैं, लेकिन जब आप उसको व्यक्तिगत तौर पर जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फरिश्ता है नहीं, ये स्टेज पे फरिश्ता है, व्यक्तिगत जीवन में ये गलत है जी। तो हम यदि हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता और अंधकार में चले तो हम, अब चेक करके देखिए जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, ना धोखा कहें तो कहिएगा, अच्छी तरीके से उसको व्यक्तिगत तौर पे उसके पास जाके देखिएगा, वो पता चल जाएगा जी। और सत्य पर नहीं चलते, और यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से, आपको यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखने के लिए ज्योति में चलना पड़ेगा। किसकी? उसकी ज्योति में। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, और जब अंधकार में नहीं चलेगा तो जीवन की ज्योति पाएगा, वो ज्योति जो जीवन देती है। आपको जीवन मिला कि नहीं मिला? आज धर्म आपको बहुत दिखाई दे रहा है, जीवन कहां? परमेश्वर तो जीवन का स्रोत है, धर्म का थोड़ी ना है। कौन सी धार्मिकता आपको दिखाई दे रही है? इसीलिए बाइबल कहती है देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइट। कौन सी रोशनी? जल्दी से मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन की पुस्तक, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 23। नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक, उसका आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा। देखिए आज्ञा का मतलब होता है हुक्म, कानून। ये दीपक है, दीपक का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर, लैंप। और शिक्षा क्या है? ज्योति है। जब तक आपको उस लैंप से ज्योति ना मिले, शिक्षा ना मिले, तो वो लैंप किस काम का है? और आगे पढ़ लीजिए, ज्योति है शिक्षा, और जो शिक्षा देगा वो पुचकारेगा नहीं, सिखाने वाले की डांट। आपको क्या चाहिए? तीनों चीजें चाहिए, तीनों चीजों के बिना काम नहीं बनेगा। समीकरण देखिए, आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति। पुराना नियम आज्ञा, नया नियम ज्योति। यीशु मसीह आ गया सिखाने वाला, और उसकी डांट जीवन का मार्ग। जब तक वो आपको रोशनी गलत मिली कि सही मिली, डांट नहीं पड़ेगी तब तक रोशनी सही नहीं होगी। हालेलुया। कितने लोग मुझसे दूर भागते हैं, सिर्फ एक ही चीज। क्या चीज बुरी लगती है? डांट। जो डांट से चिढ़ता है वो कभी जीवन नहीं देखेगा, नीति वचन में लिखा हुआ है। सिखाने वाले की, और आज की शिक्षा में देख लीजिए, पुचकार रहे भाग ना जाए। ये मेरी महिमा है, जितने कम ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी महिमा है, नेम फेम मनी। सिखाने वाले की डांट, कितने लोग आज के जमाने में डांट रहे हैं? अपने बच्चों तक को तो लोग डांटते नहीं है, गलती करें, नो बेबी डोंट डू दिस। हम तो सीधे में हॉक देते। ये बच्चे जिनको डांट डांट नहीं पड़ रही ना, वो घुड़की नहीं पड़ती, ये निर्बल विवेक के हो जाते हैं। कभी कोई डांट देता तो ये इनका डिप्रेशन में चले जाते हैं, इन्होंने डांट दी हमको। हालेलुया। जीवन का मार्ग कहां से मिलेगा? जिसको नहीं पसंद भाग जाओ। परमेश्वर के मार्ग से हम तो नहीं हट सकते, हमारा गुरु हमें डांटता है, हमें भी परमेश्वर की ओर से डांट पड़ती है, और हमें तो बचपन से बहुत हार्ड रूल रहा है,
वो शायद आजकल घर में है नहीं, ऑफिसर रैंक के मम्मी डैडी दोनों थे, बहुत हार्ड रूल रहा हमारे घर में। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह को सुनेंगे, कलीसिया के अंदर यीशु मसीह का काम, जीसस इज द लाइट। तीन अध्याय प्रकाशित वाक्य, तीन अध्याय प्रकाशित वाक्य, तीन अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए, यीशु मसीह यहां क्या कह रहा है। किसी से, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। नहीं, प्रकाशित वाक्य तीन अध्याय का, मैं जिन जिन से, यीशु मसीह कह रहा, मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं, पुचकारता है, मन फिराएगा आदमी तभी जब उसको ताड़ना मिलेगी। डांट दिया, हड़का दिया, मैं जिस जिस से प्रेम रखता हूं उन सब को, यीशु मसीह के जितने जितने लोग यीशु मसीह जिनसे प्यार करता है, मसीह के लोगों की पहचान क्या है, जो डांटे जाते हैं, जिनको उलाना ताड़ना मिलती, वही मसीह के लोग हैं। आप होना चाहेंगे? अरे मैं जिस जिस से प्रेम रखता हूं उन्हें उलाना और ताकि वो मन फिराए। इसका इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश, दोज होम होम आई डियरली एंड टेंडरली लव, आई टेल देयर फोर एंड कन्विक्ट एंड कन्विंस एंड रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब होता है डांट। उन्हें कन्विक्ट करता हूं, दोषी ठहराता हूं, कन्विंस करता हूं कि ये तुम्हारी गलती है, गाइड करता हूं, उसके बाद डांटता हूं। एंड चेजिंग, आई डिसिप्लिन एंड इंस्ट्रक्ट देम, सो बी एंथुसियास्टिक एंड इन अर्नेस्ट एंड बर्निंग विद जील एंड रिपेंट, चेंजिंग योर माइंड एंड एटीट्यूड, ताकि तुम्हारा माइंड जो तुम विचारधारा तुम्हारी बदल जाए और तुम्हारा व्यवहार बदल जाए, एटीट्यूड बदल जाए, इसीलिए डांटा जाता है। हालेलुया। एक पद लास्ट में निकालेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। वो पद आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक उसका तीन अध्याय निकालिए, एक मिनट, नीति वचन उसका तीन अध्याय, तीन अध्याय का इक्कीस पद पढ़िए, हे मेरे पुत्र ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन, खरी बुद्धि और विवेक की, आपको अपने विवेक की रक्षा पड़े करनी पड़े, क्योंकि ये जो शुद्ध विवेक है ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारा विवेक शुद्ध किया जाता है। हम सब अशुद्ध विवेक वाले हैं, हमारा विवेक काम नहीं कर रहा, हमारी जो राइट और रॉन्ग वाली सेंस थी वहां पे सब गड़बड़ी इसलिए हो गई। अब आपको एक एग्जाम्पल देंगे और फिर प्रार्थना में चलेंगे। एक बात बताइए, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड हैं। स्टैंडर्ड का मतलब समझते हैं बांट, तौलने वाला। आप किस विषय को अपने बांट से तौल रहे हैं? हम अपने बांट से तौल रहे हैं, और जितने लोग यहां पर बैठे हैं इतने इतने लोग हैं, जितने लोग हैं इतने बांट हैं, सबके अपने 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 स्टैंडर्ड्स। और आप उस स्टैंडर्ड से किसी की भी आप प्रवचन सुन रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड में उसको नाप रहे हैं, उसी से आपको गलत व्यक्ति भी सही लग रहा है और सही व्यक्ति गलत लग रहा है, क्योंकि आप अपना बांट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन मालूम क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का बांट है, इस बांट से हमको नापना चाहिए हर चीज। अगर इस बांट से नापेंगे तो हमेशा ह्यूमन साइड आपको फॉल्ट मिलेगा,
परमेश्वर की तरफ कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप अपने बाँट से नापेंगे तो आपको परमेश्वर में दोष दिखेगा। परमेश्वर बड़ा अन्यायी है, परमेश्वर बड़ा कठोर है, परमेश्वर बड़ा निर्दयी है। और वो भावनाएं गीत संगीत में लोग गाते हैं। कई बार लोगों को हमने देखा है, कहते हम तो हमारी तो प्रभु से लड़ाई होती है। अरे नहीं, ऐसा भावनात्मक तरीके, हम तो प्रभु से लड़ते हैं, अपने बाप समझ के लड़ते हैं। अरे वो फिजिकल फादर की तरह नहीं है। तुम किससे लड़ रहे हो, किसको बाप कह रहे हो, ये यहां पे क्वेश्चन उठ गया। जब परमेश्वर को कोई जानता नहीं तो किसको पिता कह रहा है, और किसको पिता समझ के, परमेश्वर समझ के पिता कह के उसको पिता भी कह रहा है, उससे लड़ भी रहा है। ये भावनात्मक है। सारी दुनिया में मालूम है रिलीजन के नाम पे भावनाएं। अरे कितनी भी आप वो भक्ति भाव ले लीजिए, फिर तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मनुष्य की इच्छाएं, कल्पनाएं, भावनाएं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये सब एंडलेस है। लेकिन परमेश्वर में जब आप आएंगे तो इन तीनों की लिमिट आ जाएगी। परमेश्वर में इच्छा की भी लिमिट है, कल्पना की भी लिमिट है, भावना की भी लिमिट है। परमेश्वर का वचन हमें इन तीनों में डिसिप्लिन मिलाता है, और ये तीनों में जितनी जल्दी डिसिप्लिन में आ जाए उतना अच्छा है। हालेलुया, जीवन की ज्योति वही है। जितने लोग ये वाली ज्योति पसंद कर रहे हैं, ज्योति का काम क्या है मालूम है, आपको सब कुछ प्रकट करना ना, ताकि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे क्या क्या है और कौन सी चीज हमारे लिए उचित है, कौन सी नहीं है। निर्णय हमको लेना है, ज्योति का काम प्रकट करना है। आपको जब सब कुछ प्रकट कर रहा है परमेश्वर का आत्मा, तो निर्णय तो आपको लेना है ना, व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर मी, व्हाट कैन आई सेलेक्ट, चूज आपको करना है। ज्योति में अगर आप हैं तो आप गलत चीज क्यों चूज कर रहे हैं, और आप गलत जीवन क्यों चूज कर रहे हैं, गलत जीवन शैली, गलत निर्णय क्यों कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं हम तो ज्योति में हैं, यही तो लिखा है, गलत गवाही मत दो, झूठी गवाह मत दो, झूठे गवाह मत बनो। और परमेश्वर की झूठी गवाही देने वाले से परमेश्वर बहुत बुरी तरीके से निपटता है। तुम अभी किसी चीज को अंडरस्टैंड कर नहीं रहे हो, लेकिन प्रोक्लेम कर रहे हो। इनके लिए उसने बहुत भयानक रखा हुआ, फिसलन भरा अंधेरा मार्ग है, वहां पर डाल देगा झूठे गवाहों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। क्या आप सच्चे गवाह बनना चाहते हैं? जितने लोग सच्चे गवाह बनना चाहते हैं, इच्छा करते हैं, वो अपने स्थान पे खड़े हों। आपको करना कुछ नहीं है, आपको वो ज्योति आपके अंदर होनी चाहिए। जगत की ज्योति मैं हूं, जीसस इज द लाइट विच रिवील्स एवरी पर्सन। जब हम प्रार्थना में खड़े हैं, कोई जन जल्दी से लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 32 पद पढ़ दे। जब यीशु मसीह पैदा हुआ था, और उस बच्चे को, जब वो एकदम नन्ना बच्चा था, न्यू बॉर्न, और उसका डेडिकेशन करने के लिए ले गए थे, तो वहां पर एक भविष्यवाणी हुई थी, और वो बालक यीशु के लिए भविष्यवाणी थी, और कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में, हिंदी में आपको ज्यादा क्लियर नहीं हुआ इसमें क्या कहा गया है। इंग्लिश में अ राइट लाइट फॉर रेवलेशन टू द जेंटाइल्स टू डिस्क्लोज व्हाट वाज बिफोर अननोन एंड टू ब्रिंग प्रेज एंड ऑनर एंड ग्लोरी टू योर पीपल इज़राइल। इज़राइल के लोगों से परमेश्वर ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो महिमा अन्य जातियों तक पहुंचेगी, जिससे परमेश्वर को वो जाने जो पहले कभी नहीं जानते थे। और आज देख लीजिए अपने देश में कितने लोग परमेश्वर को जान पाए, ये काम करने में वो असफल रहे। तब उसने पवित्र आत्मा यीशु मसीह को भेजा, द सन ऑफ राइटियसनेस, एंड जीसस सेंड हिज स्पिरिट। हालेलुया, स्पिरिट इज द रेवलेटर, जीसस इज द लाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। आपको प्रकाशन के द्वारा मसीह प्रकट करना चाहता अपने आप को। मन फिराना शुरू करो, देखो मसीह आपको अपने आप को प्रकट करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर गलत चीज से मन हटाओ, हर गलत बात से मन हटाओ, हर गलत विचार से मन हटाओ। और हटाने का मतलब मन को आप खाली नहीं कर सकते हैं कि अब हम पहले गलत सोचते थे, अब हम कुछ नहीं सोचेंगे। नहीं, मन हमेशा बिजी, माइंड हमेशा बिजी रहना चाहिए। माइंड कभी भी, माइंड ऑक्यूपाइड रहना चाहिए, या तो राइट या रॉन्ग। आपका माइंड राइट, रॉन्ग से हटकर राइट पे फोकस करें।
तब आपका मन जो है तब सही होने लगेगा, माइंड रिन्यूअल होने लगेगा। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं जो सब कुछ करने वाले आप हैं। हम निर्बल मानव हैं, असहाय हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हम दूसरों के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते। और आपने प्रभु उन लोगों को चुना है जो अपने आप में कुछ नहीं है, ताकि उन्हें लज्जित करें जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। आपने निर्बलों को चुना ताकि बलवानों को लज्जित करें, आपने निर्धनों को चुना ताकि धनवानों को लज्जित करें, आपने उन्हें चुना जो तुच्छ हैं, कुछ नहीं है, ताकि उन्हें जो अपने आप को कुछ कहते हैं उनको लज्जित करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम अपने आप को जानते हैं कि हम कुछ नहीं है और कुछ कर नहीं सकते, इसलिए प्रभु अपने आप को आपके सामने रखते हैं। आप जो चाहिए, आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी, ताकि आपकी वो महिमा प्रकट हो जो होनी चाहिए। और जब आप हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करेंगे, तब प्रभु आपकी वास्तविक महिमा लोगों को दिखाई देगी। हम चाहते प्रभु यहां पर जितने लोग उपस्थित हैं, हम सब अपने आप को यह मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं है, क्योंकि हमें यह मालूम है कि आप कुछ नहीं के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं, ताकि आपकी महिमा लोगों के बीच में प्रकट हो और आपके महिमामय नाम की महिमा हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।